तो फाइनली जाने का भी टाइम आ गया। असल में हम आज थोड़ा लेट हो गए हैं दोपहरिया वाला वीडियो में, क्योंकि हम गए थे थोड़ा बाहर, और जैसे आए हैं सब्सक्राइबर्स तुरंत हम बैठ गए आपका वीडियो देने के लिए, बनाने के लिए हैं। मतलब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और जैसे घर जाने का नाम आया हमारे बग्घी के ख्यालात बदल गए। काहे काहे कि भाई वही को पता है कि वहाँ जा रही है जहाँ पर अभी एक नक चढ़ी थी और दूसरी भाई साहब जो कि डुअल फेस वाली। वैसे डुअल फेस तो सारे के सारे हैं, देखिए पूरे दुनिया जहान में सबके डबल फेस होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के इतने ज़्यादा होते हैं और कई कई रूप होते हैं कि भाई तुम्हारे आगे तुम्हारी है, तुम्हारे आगे तुम्हारी है। तो झुठियंका और परेतिन भाई इस समय दो दो हैं। बग्गी को देख के जो खिला खिला चेहरा था विगत कई दिनों से, वो एकदम मुरझाए गवा था। हमें तो लग रहा था कि हमारी प्यारी बग्गी इतना बढ़िया से वीडियो बनाए रही थी, 2-3 दिन से बढ़िया यहाँ वहाँ जा रही थी, लेकिन भाई का हुआ, घर नाम आया जैसे। हालांकि मरता का ना करता, अब बग्गे से शादी किया है, प्यार किया है, तो भाई जाना ही पड़ेगा। और आखिरकार बग्गे को भी कुछ टिप्स मिल ही गए होंगे, वो टिप्स भाई कि भाई देख लो तुम्हारी बहनी है ठीक है, पर हमारी भी बहनी है जीजा जी, ज़्यादा कुछ 3-5 हो न सके। वैसे वो साले साहब ऐसे हैं नहीं, नहीं तो चाहते तो साले साहब एक टिप्स दे देते बग्गे को, क्योंकि वो लोग दूसरे टाइप के बच्चे हैं। इनके जैसे छरछंदी जो ने घर माँ बिटवनी बैठी हैं, उम्र में छोटी है लेकिन छरछंदी इतना है कि का ही बताएं। दुई दुई घर, अरे न जाने कितने घर हिला के रखे नो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी बग्गी पहुंच चुकी है घर, और ऑफ कोर्स ये कल का वीडियो होगा, और ये कल आई थिंक शाम तक आ गए होंगे है ना, और फिर आज सुबह सुबह एडिट करके वीडियो डाली है। तो इस समय जो हमारी बग्गी है हिमाचल में ही है। वैसे बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, चाहे वो पहली बात हो जो बोल रही थी कि भाई सबसे पहले तो मैं अपने नल जो कराए ये हटा दूंगी, क्योंकि यहाँ हम सबको पता है कि भाई चाहे जितना बल्ले बल्ले सावा सावा कर लो, लेकिन वहाँ जाके तो तुमको काम करने पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई नाखून हटाने पड़े हमारी प्रिय बग्गी को, कि अब वहाँ जाके काम करने पड़ेगा। यहाँ मम्मी जी थी, अब ससुराल ससुराल होती है जी, मायका मायका होता है। ससुराल में चाहे जितना बढ़िया हो, पर जाहिर सी बात है मायके जैसा ट्रीटमेंट थोड़ी ना मिलेगा। और बग्गी का ससुराल तो भाई साहब इतने डुबल फेसेस वाले लोग हैं। वैसे मम्मी जी जो कल तक अपनी बहू के कसीदे गढ़ती थी, मम्मी जी को भी अब समस्या हो ही गई है बहुरिया से। तो भाई साहब आप सबने देख ही लिया है कि किस प्रकार से मम्मी जी हैं, किस प्रकार से मम्मी जी की बिटौनी है, और विगत दिनों में बिटौनियों ने का नहीं बोला है, ऐसी ऐसी बातें करी हैं कि हम का ही बताएं। दोनों बेटौनियों ने जौन आग लगाई है, एकदम तीली फूंक फूंक कर आग लगाई है। तो वो तीली हमें देखने को मिल ही चुकी है, कोनो बात नहीं, हम सब अच्छे समझ गए हैं। हालांकि हम लोग तो बहुत ही अच्छे समझते थे, कोनो नहीं समझता था तो वो हमारी प्रिय बग्गी। तो बग्गी का मन था कि भाई कौन रोटी खाना था जी, शायद उसको कोई बाहर की मिस्सी रोटी या कोई रोटी नान रोटी खानी थी है ना। लेकिन जो बग्गे की सास है उसने बग्गे की पसंद की घिया बनाई थी। हालांकि बग्गे ने बोल दिया था कि मम्मी जी आपको तीम तामड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, जो रात वाली सब्जी है मैं खा लूँगा। लेकिन मम्मी जी ने कहा मेरा दामाद जी है जा रहा है, तो मनपसंद सब्जी बनाई, रात के लिए भी काला चना सब्जी और फुलके उलके रख दिया कि घर पहुँच के भी हमारी बेटौनियों को जाए चूल्हे में ना लगना पड़े, क्योंकि पता है 3-3 महिलाएं, लेकिन भाई वो एक बच्चे तीनों मिलकर नहीं संभाल पा रही हैं, ऐसे यहाँ छीछा लेदर हुई पड़ी है तो का ही भाई बाकी चीज़ें संभालेंगी। तो इसलिए मम्मी जी ने पहले से ही सामान रख दिया पूरा। बग्गी कह रही थी कि हमारी पूरी ना डिग्गी भर चुकी हैं, और इतना ज़्यादा डिग्गी भर गई कि हम का ही बताएं, कहाँ से जो है ना बैठने की जगह मिल रही है ना उठने की जगह मिल रही है। मतलब मम्मी जी ने खूब भर भर के दिया है सामान। देखो यार, सौ की सीधी बात नक्को बकवास, हर माँ बाप कोशिश करते हैं, और बग्गी इकलौती है ना, कि जब ये लोगों की सोच होती है, धारणा होती है कि जो कुछ है हमारे लड़कों का ही है, हमारी लड़की भी हमारी संतान है, तो कौन सा हमारी लड़की बार बार आती है, इसलिए लोग देते हैं है ना। आप सबके घर में भी ऐसा होता होगा, लेकिन इधर से कहते हैं ना कि अगर उधर से कोई तुम्हें दे रहा है भर भर के, तो
तो तुम्हें भी उतना ही करना चाहिए। बग्गा धीरे धीरे सीख रहा है। अब ये लोग नान वान खाने गए थे जब, तो बग्गी ने बताया था कि साले साहब की टंकी फुल करा दी है जीजा जी ने, और अब हम चल रहे हैं नान खाने। तो चलो मैं भी धीरे धीरे बग्गा समझे। लेकिन यार एक चीज़ सुनी है मैंने, अब इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं भाई। मेरा दिल तो गवारा नहीं करता है, पर सुनने में यही आया है कि वो जो मंगल सूत्र है, वो मंगल सूत्र मम्मी जी ने दिया, सिर्फ बग्गे ने पहनाया है। क्योंकि मम्मी जी बगल में बैठी थी तो लोग यही कह रहे हैं कि मम्मी जी के सौजन्य से ये मंगल सूत्र है। अब इसमें कितना सच्चाई है जी कितना नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते, पर हमने सुना यही है कि मम्मी जी के सौजन्य से ये मंगल सूत्र है। खैर अब जो भी है, आज नहीं तो कल पता चल ही जाना है। पर उम्मीद यही करेंगे कि बग्गे के ही हाथ का हो, क्योंकि बग्गा ये तेरा पहला करवा चौथ है, सासू का नहीं है। जो सासू अम्मा को जो है करवा चौथ का गिफ्ट देना पड़े अपनी बेटी को, माँ और खासकर बग्गी का माँ कितना कुछ करती है तुम्हारी आंखों से भी नहीं छुपा है। हालांकि इनका एक प्लान बन चुका है, बग्गे ने प्लान बनाया है अपने सालों के साथ कि जो भाई दूज आएगा दिवाली के बाद, तो भाई भाई दूज में बग्गी ने इनवाइट किया है अपने दोनों भाइयों को, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, जब भाई बाकी के लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, मम्मी जी वहाँ जाए जाए दो दो साल पटना में, सॉरी दो दो साल नहीं, दो दो महीना रह सकती हैं, और बग्गी का कितना मन भी होता है, तो अपने भाइयों से और घर परिवार को छोड़कर वो एकदम इमोशनल हो रही थी। तो मुझे भी लगता है कि हाँ एटलीस्ट इतना होना चाहिए, है ना। तो अब बग्गी के भाई आएंगे कि नहीं आएंगे, पर बग्गा बग्गी ने प्लान कर लिया है कि तुम आना और दिवाली के बाद हम चलेंगे ट्रैकिंग पे। कहीं पे जगह भी सिलेक्ट हो गई होगी कि कहाँ पे ट्रैकिंग पे जाना है। तो हम तो यही कहेंगे कि बिल्कुल भाइयों को आना चाहिए और बग्गी बग्गा को जाना चाहिए। और न चढ़े लोग, और जो बोल रहे थे कि हम स्पेस कर लेते हैं, यू कर लेते हैं, डिस्टेंस कर लेते हैं, ठीक है यार ऐसे लोग डिस्टेंस ही कर लें। देखिए मज़े की बात तब है जब ये लोग रास्ते में पहुंचे थे, तो भाई वहाँ पे इनकी एक सब्सक्राइबर थी तो वो बुलाई थी, अभी मिलने पहुंच गई। हालांकि जिज्जी तो होती तो दिखाती नहीं, कहती कि ना वो पर्सनल स्पेस होता है और हर कोई कंफर्टेबल फील नहीं करता है, तो हम किसी की प्राइवेसी को ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, यही नौटंकी ड्रामा करके नहीं मिलाती हैं। लेकिन बग्गी और बग्गा ने प्रॉपर दिखाया, वैसे बग्गा बग्गी दिखाते हैं किसी भी सब्सक्राइबर को, अगर आना चाहे तो प्रॉपर दिखाते हैं। मुझे तो सबसे अच्छी कन्वर्सेशन उनके जो बच्चे ट्यूशन करते थे उनकी लगी। ट्यूशन से याद आया, वो सब्सक्राइबर के हस्बैंड भाई साहब कोई बढ़िया सी दुकान चलाते हैं, तो उनका भी प्रचार प्रसार हो गया। प्लस जो सब्सक्राइबर हैं वो कोई वो चलाती हैं शायद, हाँ ट्यूशन क्लासेस, छोटकन्नी ट्यूशन क्लासेस, बच्चे भी हैं, न्यू बॉर्न बेबी है उनका, और उसके साथ ट्यूशन क्लासेस देखना, घर परिवार देखना। तुम्हारे जैसे नकचढ़ी नहीं है कि एक 3 साल का बच्चा नहीं संभाल पाती हैं, और ऊपर से वो बड़ी आ रही है और चने की झाड़ पे चढ़ाने, कि इससे बड़ा काम तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। 3 साल के बच्चे को संभालना, मैं प्रयत्न को पूरा मी टाइम देना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक 3 साल के बच्चे को संभाल रही है। वो कितनी खुश थी सब्सक्राइबर, और बच्चे से भी मिली, और वहाँ पर वो दोनों हस्बैंड वाइफ, यार हस्बैंड वाइफ वन यूनिट होते हैं, वही देखिए संभाल के चलना होता है। ऐसा थोड़ी है कि जहाँ पे जब मन हुआ तब तुम अपने हिसाब से फैसले ले लो, नहीं जी हमें हर सैटरडे मायके जाना है, नहीं जी दीदी आ गई तो हमें जाना है घूमने, घूमने जाओ। लोग कहते हैं ट्रेवलिंग करनी चाहिए, इससे आपका माइंड विकसित होता है, अच्छी सोच डेवलप होती है। लेकिन ये ससुर कनाती इतना पैसा है, अरे पैसा जब लगाते ही हो तो कहीं दूसरी जगह भी जाया करो। और ये भी होता है कि यार सोच समझ के, ये नहीं कि दीदी आ गई तो छोटी भी जाएंगी, छोटी आ गई तो दीदी भी जाएंगी, अपने घर परिवार के हिसाब से। तुमको साल में 3 करनी है, 4 करनी है, 2 करनी है, जो बजट अलाउ करे उतना करो। लेकिन कुंभावासी इनके यहाँ तो खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, अगर एक जाएगी तो दूसर क्यों जाएगी है। तो ये वाले हाल है, ये वाले आलम है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और छटकन्नी तुम थोड़ा सबक सीखो, वो छोटा सा जो तालाब हो वहीं डुबडुबाए जाती हो, बाहर निकलो। कितनी कितनी लेडी हैं, कितना कितना छोटा बच्चा मैनेज करती हैं, ससुराल और पूरा अपना मायका और अपना करियर भी मैनेज करती हैं। तो थोड़ा सा सबक लो, थोड़ा सा सीखो। तमाम ऐसी लड़कियाँ, तमाम ऐसी महिलाएँ हैं, वैसे सबके मुँह सड़ गए होंगे, हैं बिल्कुल सड़े होंगे। बग्गी जब आ रही थी
तो कह रही थी यार कितना भी हो, आई नो कि ये दस्तूर है, जाना ही पड़ेगा मायके से ससुराल, लेकिन काश जब हम वहाँ और रुक जाते ये वो, तो वो चीज़ हम सारे समझ रहे हैं। अब हो सकता है दीदियों ने कोई प्लान बनाया हो। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, इतना सब कुछ अभी 2 दिन 3 दिन करी है, ये सब दोनों मिलकर चंडीनी एकदम चंट वाली काम करी है, एकदम चंडाली तो हैं है खैर, तो भाई चाहती बग्गी तो इनका जिक्र तक ना करती, लेकिन बग्गी फिर से भी कोशिश कर रही है एक अच्छी भाभी होने का, और बार बार बग्गी ये प्रूफ करती कि वो अच्छी भाभी है। उसने एक बार कहने कोशिश करी तो बग्गा दूसरी बात ले आया, फिर भी उसने वो बात कंप्लीट करी कि ऐसा नहीं है सब्सक्राइबर सिर्फ हमको पूछ रहे थे, हमको प्यार दे रहे थे ये सब्सक्राइबर, फिर बग्गा ने नाम ले लिया कि परेतिन को झुठियंका को भी बोल रहे थे, याद कर रहे थे। ऐसे तुम लोग कभी अपनी भाभी का नाम भी लेते हो, ऐसे हो तुम लोग, तुम लोग कभी खैर बदल नहीं सकते, और तुम बग्गी से बस जल सकते हो। बग्गी जैसा अगर छोटी होती ठीक है, उसको थोड़ा घूमना फिरना पसंद है ठीक है, कुछ चीज़ों की वो बच्चों जैसी जिद होती है कि नहीं मेरे को नान खाना, नहीं मेरे को वो का, अरे वेल वेल बेल पापड़ी या का भाई था वो, भेल पूड़ी नहीं जी और कुछ था, लैया वाला जो भेल होता है, भेल पापड़ी भेल पूड़ी जो भी होता है समझ जाओ अभी भावनाओं को मेरी, है ना, तो वो खाना है तो वो लेके गया कि चल खा लिया, उसके बाद 2 महीने बाद ही अब खाने को मिलेगा ठीक है। लेकिन इससे तमाम ऐसी जिदें हैं जो छोटी की हैं, और वो छोटी जिदें नहीं हैं, छोटी की जिदें बहुत बड़ी हैं, और बग्गी की ऐसी जिद होती हैं छोटी मोटी, है ना। तो चूंकि अभी वो मैच्योर नहीं, फिर भी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, अगर तुम लोगों से कंपेयर करें तो ना झुठियंका से उसका कोई कंपेयर हो सकता है, और परेतिन का तो दूर दूर तक नहीं हो सकता है भाई। जब ये बोला जाता है, जोक सुनाया जाता है कि हमारे घर में सबसे मैच्योर परेतिन है मैच्योर परेतिन, भाई साहब का ही बताएं, काश की मैच्योर परेतिन होती तब खई मतलब कुछ और हालात जज्बात ख्यालात होते, है ना। फिलहाल ये सब खाते पीते और गोलगप्पे भी शायद लास्ट टाइम पैक कराए थे इन लोगों ने, और उसके बाद ये घर आ जाते हैं। मम्मी जी थोड़ा इमोशनल थी जब भेज रही थी, पर भाई जाहिर सी बात है मम्मी भी समझ रही हैं, भाई भी दोनों खड़े थे, और फाइनली ये लोग वहाँ पर जब घर पहुँचते हैं सीधे सीधे घर आके अपना ये लोग सामान अंदर रख लेते हैं, कोई नहीं दिखाया जाता है कि कोई मैडम बाहर निकली हूँ, ना छोटी और ना ही बड़ी, किसी का भी कुछ नहीं दिखाया जाता है। तो जाहिर सी बात है छोटी बड़ी ऊपर ही रही होंगी, नहीं तो मार्केट वार्केट कर रही होंगी, जानबूझ के निकल गई होंगी, है ना, क्योंकि सीधे सीधे बस यही दिखाते हैं कि हम कपड़ा लत्ता जो है सीधे अंधेरी वाली गली से आते हैं, वही जो उनके रोड होती है जिस रोड से अंकुश अग्निहोत्री निकले थे, तो वहाँ पर भी गए थे पुलिस स्टेशन, फिर सीधे गाड़ी खुलती है और बग्गी अपना जो है सीढ़ियाँ दिखाती है। हालांकि अंदर वाले रूम की लाइट जल रही थी, थोड़ा सा पर्दा खुला है इसलिए इससे दिख रहा है, और बाकी ये बोलती कि बाकी का सामान ये ले जाएंगे, मैं ये सामान ले जाती हूँ। और बग्गा भर भर के भैया बैग ऐसे उठा रहा था, उसमें बहुत सारा सामान था, और इसके बाद सीधे बिस्तरा पे नज़र आती है बग्गी, वहाँ पर कुछ बातें शेयर करती है और कि अब भाई कल से डेली रूटीन फिर से आ जाएंगे, बाकी कुछ सब्सक्राइबर ने गिफ्ट्स भी दिए हैं, और इसके अलावा सब्सक्राइबर ने कुछ और भी चीज़ें दी हैं जो कि इन्होंने खरीदी हैं, तो गिफ्ट्स भी बग्गी ने दिखाने ही दिखाने हैं। बस उसके चेहरे पे मायूसी साफ साफ दिख रही थी कि यहाँ आके वो कितना खुश है, समझ रहे हो, और बाहर अगर मिला भी होगा कोई तो मुझे लगता है कि ऑफ कैमरा मिला होगा, ऑन कैमरा तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा। कभी कहते हैं सरप्राइज विजिट तो कभी हस्बैंड का फ़ोन किया, तो फिर कहते हैं हस्बैंड को फ़ोन किया, ये क्या कुछ ऐसा बोला था सरप्राइज विजिट, अच्छा अच्छा सब्सक्राइबर को कि कभी कहते हैं हमने आपको सरप्राइज विजिट दिया तो कभी कहते हैं हस्बैंड को फ़ोन किया, अरे हस्बैंड को फ़ोन इसलिए करे होंगे क्योंकि मिला नहीं होगा, और सरप्राइज विजिट इसलिए कि अभी इधर से चल देते हैं बिना बताए, अब वहाँ नहीं मिलेगा तो फ़ोन करना पड़ेगा, आई थिंक ये वाली चीज़ है। यार कोई नीचे नहीं आया तुमको रिसीव करने, अजीब बिहेवियर है तुम्हारे ससुराल वालों का, दुपट्टा हार्ट ब्रेकिंग, भाई देखिए हार्ट तो ब्रेक होगा ही होगा, सिर्फ बग्गा ही है थोड़ा ठीक ठाक मैच्योर, बाकी तीनों लेडीज में क्या ही बोलूं, क्या नीचे अच्छा क्या रिसीव करती कोई
अच्छा जी, कोई दुपट्टा यहाँ पे कौन सी खिदमत की है इनको, जो है इनको कमी है तो भाई इनकी जो खिदमत की जाए। दुपट्टा इस घर की मेंबर है, मतलब टरू वाले हरदम आ जाएंगे कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ बोलने के लिए। डिनर बनाने के लिए तो घर पे थे सभी, फिर क्यों पकवाया उधर से? मम्मी नहीं मानी। आप सबको पता है कि माँ को पता होगा कि इस समय घर के हालात जज्बात क्या हैं, है ना? और सब्सक्राइबर नोटिस कर रहे हैं यार। क्यों 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 क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने शादी कर ली, इसलिए बोल रही थी। क्यों 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 नहीं रुक सकते, क्यों जाना पड़ता है? तो किसी सब्सक्राइबर ने भी बढ़िया यही कहा है। देखिए भाई, ये तो सही बात है। हाँ, शादी के बाद गर्ल्स मायके मायके ही लगाती हैं। ससुराल का असली घर होता है उसको देखो, पहले शादी की आग लगी होती है। ओ माय गॉड, ये कौन है भाई साहब, ये कौन सा कमेंट है? ये जरूर जिज्जी के टरू वाले होंगे, तो जिज्जी की कोई फेक आईडी होगी। दुपट्टा जितनी पेशेंस वाली बंदी है ना, अब तक छोटी होती, मैं बार बार ये कहती हूँ, लाइव में भी कहती हूँ, वीडियो में भी कहती हूँ, अब तक न जाने कितने छीछा लेदर हो चुकी होती, इनके सबके असली चेहरे सामने आ गए होते। इनकी सबकी असलियत बहुत बेकार है, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, और चाहे मम्मी जी हो। मम्मी जी के ऊपर बस एक प्रेशर था, अंकुश अग्निहोत्री और उनके जो सपोर्टर्स, उनको ये दिखाना था कि हम बहू को ऐसे ट्रीट करते हैं। ये सिर्फ दिखावा था, असलियत बहुत कुछ है। बस असलियत बग्गी छुपा जाती है, क्योंकि वो छोटी जैसी नक्चढ़ी नहीं है कि अपनी फैमिली का तमाशा दिखाए सोशल मीडिया पे। छोटी जैसी वो नहीं है कि फरिश्तों को अपनी फैमिली की जानकारी देके उनको गालियाँ खिलाए। अदरवाइज़ इनके जब असली चेहरे आप लोग देखोगे ना, तो भाई साहब हालात जज्बात ख्यालात आपके सब बदल जाएंगे इनके बारे में। तो आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि आप दीपक को अपने घर के लिए बैठाई रहती हो? आप भाई देखो, जब गया था तो साथ ही में आना था, दो दिन बाद फिर लेने जाता क्या? तो जीजी के भक्तों का आतंक जारी है, आ गई अब फिर से ये बीमार हो जाएगी। लो जी बीमार हो जाएगी, उसकी मम्मी ने खाना बना के दिया है। थकावट चाहे बैठो चाहे गाड़ी चलाओ, सबको लगती है, हम सबको ये पता है। और अब हमें तो ये जानना है कि हमारी बड़ी जीजी का ज़रूरी काम क्या है। क्या दोस्तों आप समझ पाए हैं? कल किसी ने लिखा था कि बग्गा बग्गी की जिंदगानी में आग लगाना ही बड़ी जीजी का ज़रूरी काम है। तो मैं भी भाई जीजी ने ठान लिया हो, हालांकि जीजी ने कोशिश तो बड़ी पटनम करी, उसे पॉडकास्ट वगैरह कराए के ऐसी वैसी उसके इमेज को ख़राब करने का, उसके मुँह से बहुत सारी चीज़ें निकलवाए के और यहाँ आके पलटी मार दी ना। इसलिए बग्गी से कहा था, सोच समझ के बोलो बग्गी, यहाँ पे जो तुम्हें अपनापन दिखाया जा रहा है, अपनत्व तो दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर से चीज़ें निकलवाने के लिए किया जा रहा था। तो हमारी बग्गी पहुँच चुकी है फिर से एक बार कुनबा वासियों के पास, और अब कुनबा वासियों के असली रंग आपको दिखेंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक। चलिए जी, टाटा बाय बाय।